नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज हनुमत ग्राउंड जीरो के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपकी आवाज बनकर हम एक प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जिसमें हम हर विषय पर बात करेंगे, देश में घटने वाली हर छोटी बड़ी समस्या आप तक पहुंचाएंगे और विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस समस्या से आपको क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, रोजगार की समस्या इस देश की सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी उम्मीद है। रोजगार कैसे मिलेगा, इस पर लगातार विषय उठते रहे हैं। राजनीतिक रैलियां हो या चुनावी दावपेच हो, हमेशा रोजगार का विषय प्रभावी रहा है। अगर हम इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसमें भी रोजगार की बात सबसे अधिक उठाई गई, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन। ताज़ा तस्वीर गुजरात से आ रही है, भरूच जिले से, जहाँ पे रोजगार को लेकर के धक्का मुक्की देखी गई और महज 10 पदों के लिए भरूच की एक प्राइवेट कंपनी, औद्योगिक कंपनी थी, जहां पर वैकेंसी निकली और युवाओं को पता लगा कि 10 पदों के लिए भर्ती निकली है और इंटरव्यू है। इंटरव्यू देने के लिए हजारों की संख्या में युवाओं का जोश जो था वहां पे देखने लायक था। लगातार युवा पहुंचते गए, कंपनी को इस बात की भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब धक्का मुक्की शुरू हो गई तब कंपनी के कान खड़े हुए कि आखिर ये भीड़ आई कहाँ से। ये भीड़ उस गुजरात में आई जहाँ का गुजराती मॉडल समूचे विश्व में एक नया मॉडल बन चुका है। समूचे देश में कहा जाता है कि वाइब्रेंट गुजरात का जो मॉडल है वो भारत के हर राज्य में लागू किया जाना चाहिए। और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग मुझे ये भी कहें कि गुजरात में तो बहुत अच्छी तस्वीर है, लेकिन अच्छी तस्वीर के साथ साथ ये भी हमें नहीं भूलना कि आखिर गुजरात के भरूच जिले में ये तस्वीर क्यों सामने आई। मात्र 10 पदों के लिए युवाओं का हुजूम कैसे उमड़ पड़ा, कैसे ग्रेजुएट जो छात्र थे, युवा थे, वो नौकरी के लिए कैसे उमड़ पड़े, तब जब गुजरात में कहा जा रहा है कि नौकरी वहाँ पाना बेहद आसान है अगर आपके पास स्किल है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत की तस्वीर कितनी डरावनी और ख़तरनाक है। ये तस्वीर इसलिए भी डरावनी है कि उत्तर प्रदेश का एक बुंदेलखंड क्षेत्र है जहाँ से सबसे अधिक पलायन होता है। रोजगार की चाहत में सबसे अधिक युवाओं का जत्था शहर जाता है। जिनके पास स्किल्स नहीं हैं वो भी शहर के कोने कोने में नौकरी करने जाते हैं। बात अगर हम युवा छात्रों की करें तो बुंदेलखंड के लगभग हर जिले से सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में शहर में पलायन होता है हर कोने में। और गुजरात में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इसलिए चिंताजनक है कि आखिर वाइब्रेंट गुजरात को किसकी नज़र लग गई। अगर गुजरात की तस्वीर इतनी भयावह और ख़तरनाक है तो बुंदेलखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों का क्या होगा। कुछ और फैक्ट्स भी आ रहे हैं, उन फैक्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि मोदी 3.0 की सरकार को सबसे अधिक अगर चैलेंज झेलना पड़ेगा तो वो होगा युवाओं को रोजगार देने का चैलेंज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार सरकार को इस वीडियो के माध्यम से घेरा जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों ने ये तक लिखना शुरू कर दिया है कि इस सरकार से अब रोजगार नहीं मिलने वाला। विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सबका कहना है कि यह सरकार रोजगार देने में विफल रही है, सिर्फ वादे करती है। वहीं सरकार का कहना यह है कि यह भीड़ रोजगार के दृष्टि से नहीं बल्कि पदों में जो कमी थी उसके कारण देखी गई। अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि यह वीडियो सही है या गलत, इस वीडियो के क्या मायने हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो जांच के दायरे में चल रही हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन जो भरूच का है उसने अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस बेरोजगारी को नए नए नाम दे रहे हैं और यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि भव्य जो एक मॉडल वाइब्रेंट गुजरात का बनाया जा रहा है वह भरूच जो सूरत और बड़ोदरा के बीच पड़ता है, एक बड़े आदिवासी क्षेत्र में भरूच रोजगार का एक
प्रमुख केंद्र रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि भरूच की तस्वीर इसलिए भी परेशान करती है क्योंकि यहाँ पे तो अगर स्किल्स हैं तो बुलाकर नौकरी दी जाती है। तो ये बेहद चौंकाने वाली तस्वीर आपको सामने आ रही है गुजरात के भरूच से, जहाँ रोजगार का एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक मामला देखा गया, जहाँ पे मात्र 10 पदों के लिए प्राइवेट कंपनी में हजारों की संख्या में पढ़े लिखे युवा उमड़ पड़े, जिससे ये प्रश्न उठता है कि आखिर मोदी सरकार और गुजरात की सरकार क्या कर रही है, सिर्फ वादे ही हो रहे हैं या रोजगार भी मिल रहा है। धन्यवाद।